छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया नाबालिग से दुष्कर्म, अब सलाखों के पीछे पहुंचा आरोपी। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी ऑटो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 साल से आरोपी शादी का झांसा देकर लगातार नाबालिग से संबंध बना रहा था। इस दौरान उसने कई फोटो और वीडियो भी लिए थे, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वो नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा था। परेशान होकर नाबालिग ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि 2 वर्ष पहले नाबालिग प्लेसमेंट एजेंसी में काम कर रही थी। ऑटो में आने जाने के दौरान आरोपी से उसका परिचय हुआ। इसके बाद आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकर 2 सालों तक नाबालिग का शारीरिक शोषण किया। नाबालिग द्वारा विरोध करने पर उसके द्वारा खींचे गए अश्लील फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहा। परेशान होकर नाबालिग ने आरोपी के खिलाफ जामुल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर कार्रवाई करते हुए आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छावनी CSP प्रभात कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।